अबाकाची बोली जाती है इसको, मोस्ट तू दुपर एली से सा फ्रूट, ये अबाकाची बोली जाती है इसको। अवाकाडो जो है ना पाकिस्तान में ये फ्रूट बहुत महंगा है, यहाँ पे बहुत महंगा है, लेकिन तमाम फ्रूट्स की वैल्यू ना तकरीबन बराबर है यहाँ पे। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी मैं निकल रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, मेरे दोस्त को मैंने बता दिया मैं आ रहा हूँ, हम जा रहे हैं उलिंदा एक जगह है, तो अभी पता तो नहीं है क्या वीडियो बनानी है, लेकिन वहाँ जा के देखेंगे क्या बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते। गर्मी बहुत है, रोज़ा भी है यार, जितनी वीडियो बनाते हैं एटलीस्ट जितने लोग देखते हैं उतने लाइक कर दिया करें। आप रोज़े में आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं, चलें जुड़े रहिएगा, चलते हैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं। आज गाड़ी में जा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ी दूर जा रहे हैं, तो वहाँ पर रोड सही है। पिछली दफ़ा हम बाइक पर गए थे तो बाइक पर जो था रोड इतना सही नहीं था, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी, इस वजह से हम बाइक पर गए थे। इस आज हम जा रहे हैं गाड़ी पर, तो यहाँ से तकरीबन है 10-12 किलोमीटर, तो चलें चलते हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये जनाब निकल पड़ा हूँ घर से, ये सामने उबा जा रहा है भैया पीना सब बनी जी, तो लेकिन मैं थोड़ा आगे ही जाके 5 किलोमीटर पे मुड़ जाऊँगा इस साइड पे। ये देखें जनाब मैं पहुँच गया हूँ दोस्त के घर, वो लेकिन अपनी बेटी को छोड़ने गया हुआ है स्कूल, एक गाँव टाइप का एरिया है उसमें वो रहता है, मेरे ख्याल में वो आ गया सामने बाइक पे। याय पालो शेगो, ये आ गया, अभी जाते हैं हम। ये जनाब मेरे दोस्त का घर है, इधर रहता है बाहर वाली साइड पे, मतलब के 5-6 किलोमीटर दूर है शहर से ना, शहर बहुत आगे है उधर। इसने जनाब मुर्गियों का काम किया हुआ है, चिकन बेचता है ये यहाँ पे बना के, तो घरों में डिलीवर करता है, बहुत अच्छी कमाई करता है, तकरीबन बहुत अच्छे पैसे बना लेता है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी हम आगे जा रहे हैं। ये इसने सारी ज़मीन ख़रीदी थी 20,000 रियाल में ना, तो यहाँ पर इसने देखें अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, तो ये मुर्गियों का है तो इतना साफ नहीं होगा, ये मुर्गियां बनाता है यहाँ पे। तो ये सारा कोयला पड़ा हुआ है जला के ना, ये पहले पानी गर्म करता है मुर्गी, जिबा तो नहीं करते, ये मारते हैं मुर्गी को। अभी मेरे ख्याल में ये देखें ख़त्म हो गई हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ी बहुत उधर बैठी हुई हैं, तो आती हैं इधर रखता है और उधर रखता है। तो ये अंडे वाली भी हैं और ये वो चिकन जो कहते हैं हम ना हाईब्रेड वाली, तो यहाँ पर जनाब देखें रखता है मुर्गियाँ, तो जब ज़िबा करता है तो इनमें डाल देता है, लटका देता है ना, खून नीचे बह जाता है। उसके बाद जनाब फिर ये गर्म पानी किया हुआ इसमें डाल के गर्म पानी में फिर उनका छिलका उतार देता है। ये देखें इसने वो ममाऊ बोलते हैं, क्या नाम है इसका यार, पपीता बोलते हैं, पपाया पपीता। ये शहतूत हमने कल में भी लेके आए, शहतूत मैंने काफ़ी दिन के बाद देखा यहाँ भी खड़ा हुआ है शहतूत, देखें यहाँ भी इसने लगाया हुआ है पपाया। ये ऐसे हो जाता है ब्राज़ील में, पपाया एवोकाडो ऐसे ही हो जाते हैं, कोई इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मुश्किल है वहाँ पे। जैसे कि मैं दूसरी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ब्राज़ील के लोग बहुत दोस्ताना हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। एक दफ़ा मैंने किसी दुकानदार से इसका नंबर लिया था, मतलब कि ये मुर्गी सेल करता ना, मैंने हलाल करके मुर्गी लेके जानी थी, तो मैंने इसको कहा मुझे 2 मुर्गियाँ चाहिए ना, मैं आके हलाल कर लूँगा। तो उस वक्त मेरे ख्याल में कोई था, ईद का फंक्शन था, ईद थी या क्या था मुझे याद नहीं है सही से, तो इसको बेचारे को समझ नहीं आई, वो जिस तरह ये करते हैं ना, अरे सर पे डंडी मारते हैं, जब वो तड़पने लग जाती फिर काट देते हैं खून बहाने के लिए, कोई बहाते भी नहीं, कोई बहा देते हैं। तो ये सुबह सुबह 8 बजे मैंने इसका एड्रेस दे दिया था, मैंने कहा ये मेरा एड्रेस है लेकिन मैं लेने खुद आऊँगा। तो ये सुबह सुबह 2 मुर्गियाँ लेके चला गया, तकरीबन 2-2 किलो की थी ना जो हाईब्रिड मुर्गी होती है। तो मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं खाता ना, हम हलाल करके खाते हैं। मैंने इसको समझाया, वो समझ गया, फिर वो वापस ले आया। अगले दिन मेरा ससुर आया हुआ था, तकरीबन 2-3 दिन के बाद इनका कोई फेस्टा होता है, उस पर हम इसके पास आए मुर्गी लेने, तो तब से ये मेरा दोस्त बन गया, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। और काफ़ी दफ़ा ये मेरे साथ जा भी चुका है, मुझे लेके जा चुका है काफ़ी जगहों पर, हम वीडियो बना चुके हैं, बहुत अच्छा बंदा है जनाब। मैं आज आप लोगों को मिलवाता हूँ इससे, नेक्स्ट टाइम मैं इसकी वीडियो टोटली वीडियो बनाऊँगा, ये कैसे फरंगू कहाँ से लाता है, कैसे इसको डिलीवर करते हैं, कैसे ये कैसे इसने कस्टमर बनाया, ये पूरे चेंगवा में बाहर चेंगवा में बहुत मतलब कि ये डिलीवर करता है ना। तो चलें इससे बात करते हैं, अभी बाहर आएगा घर कपड़े चेंज करने गया, तो मैं आपको मिलवाता हूँ इससे, बहुत अच्छा बंदा है, मिल के आपको खुशी होगी बहुत। सलाम अलैकुम, ये मेरा दोस्त है अली अमी अमी को मोई तो बो पैसो यंची बो है ना,
ये जब से मैंने इससे पहली मुर्गी खरीदी ना तब से, मतलब ये नहीं कि मुर्गी की वजह से दोस्त बना, बहुत अच्छा है। अब उस दिन से लेके आज तक मैंने एक मुर्गी खरीदी है, इससे मैं मार्केट से बाई करता हूँ हमेशा, लेकिन कभी इसने ऐसी कोई बात नहीं की हम इसे ख़रीदा करो। हम बहुत अच्छा बंदा है, ब्राज़ील के तमाम लोग बहुत अच्छे हैं यार, अभी काफ़ी दफ़ा मेरे साथ जा चुका है। कोमा सुनो अमी, Meu nome é Paulo, Paulo Rafael. Paulo, Paulo Rafael. Eu quero dar Paulo Rafael de frango. Eu quero até murgui bechne vala. A próxima vez a gente vai só fazer sua entrevista. Vai. अब हम जाएंगे जनाब गाड़ी पे उधर ओलिंदा में, जगह तलाश करेंगे, काम ने वीडियो बनानी वाले हो। खुदा हाफिज। बाय बाय। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय हाफिज। वाले हो। चाओ चाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आ गए हैं एक, इन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है, यहाँ के ओनर हैं, तो इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई हुई जो फ्रूट ये लेते हैं ना तकरीबन डिफरेंट जगह से ये ख़रीदते हैं, तो उसका पल्प बनाते हैं, पल्प बना के ये डिफरेंट जगहों पे सेल करते हैं। यहाँ पे पल्प क्योंकि बहुत ज़्यादा चलता है, पल्प बना के उसमें फ्रीज़र में रखा जाता है, फ्रीज़र में रखने के बाद उसको जनाब प्रिजर्व करके उसके बाद सेल किया जाता है, क्योंकि हर मौसम में यहाँ पर हर फ्रूट नहीं होता, मेरे ख्याल में सारे फ्रूट रहते हैं, लेकिन ये पोप का ये पोपा पोपा जी फ्रूट है यहाँ पे, इसको जो हम पोपा जी फ्रूटा बोलते हैं इसको, मतलब कि मैं आपको दिखाऊंगा भी इसे कैसा होता है, लेकिन उन्होंने मना कि अंदर वीडियो नहीं बना सकते। इन्होंने यहाँ पे एक फ्रूट है माराकुजा जो हमारे पाकिस्तान में नहीं होता, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने काश्त किया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ इधर पीछे। बस ए सकी दा दिपोस क्वांटस डीएस दा फ्रूट है, seis meses, depois de seis meses, seis meses plantado ele começa a produzir. Ah, caso isso eu plantei em casa, essa é uma pé de maracujá, mas nem deu fruto, eu fico preocupado. Não, ainda é novo ainda. Depois de seis meses, tá? É, começa a produzir. Mas आपको दिखाता हूँ जनाब, ये देखें, ये इन्होंने जनाब लगाया हुआ है, ये देखें, ये इसकी ये हाइट है, यहाँ पे इसको बांध देते हैं। आशी कौन दूसरेगा कि वो सेवा है आप कि वह पौधा सी हो वह चीरा ऐसा कितना बेना है सकता मेरे से ये जनाब, जिस तरह हम मैंगो करते हैं ना, मैंगो एसटीएस सिस्टम होता है तो उसमें हम उसको रिमूव कर देते हैं, ये टहनियाँ जो होती हैं, इस तरह इसी का भी यही सिस्टम है, नीचे से सारी रिमूव करते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, इस तरह जैसे अंगूर की बेल होती है इस तरह वैसे ही सिस्टम है। तो ये तकरीबन 6 माह के बाद फल देता है, मैं समझ रहा था कि ये नॉर्मल फ्रूट है तो ये 6 माह तक नहीं होता, ये जल्दी फ्रूट देता है। दिपोइस अजेंचियोले दिपोइस 6 मेजिस पर क्वांटस मेज एलिदा फ्रूट दोइजानुस वो जनाब वो कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद जब वो फ्रूट शुरू हो जाता है ना तो दो साल तक ये फ्रूट देता रहता है, तो बहुत अच्छा है। पाओ लुपो जी मोस्ट्रा दूध पर एलिस को प्लांटेशन की पारा की जाकी ये वहां तक इन्होंने लगाए कौन से हेक्टेयर से की वो से प्लांट हो ऐसा 2 हेक्टेयर अभी उन्होंने 2 हेक्टेयर जो है ना काश की हेक्टेयर हमारे जो है ना उसमें जो हम अपनी जुबान में कहीं 1 हेक्टेयर का 2.5 एकड़ होता है हेक्टेयर यू माइज मैंने कौन तो दा प्रोड्यूस हूं ओ उसे प्लांट प्रीमियर वे मास उसे सा भी माइज मैंने दा हेक्टेयर कौन Tonelagem de 1000 plantas. Produção vai depender muito de como eu vou conseguir produzir. Ah, वो कहते हैं कि हम प्रोडक्टिविटीज की नहीं बता सकते क्योंकि ये प्लांट पे डिपेंड करता है कि वो हम उसको कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये देखें वाचिरा समात दमे हो देश से में जीरो मार्क अकेली थी मार्क नजीयो के देखो सी सी वो जनाब उनके पास वो ट्रैक्टर भी है हाथ वाली वो सारी इसको रिमूव करेंगे। तो चलें चलते हैं आगे वीडियो बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत कम लगाए इनके मैंगो भी हैं बहुत सारा मांग अपुफा वो प्रेली हाँ सिंह ऐसे तेज ये यहाँ के जनाब ओनर हैं तो इन्होंने मतलब मैंगो भी लगाए इनकी 11 वैरायटीज इनके पास पड़ी हुई हैं सारी हम आगे तक चलते हैं आपको दिखाते हैं ये बाहर से खरीद के उसका पल्प बनाते हैं फ्रूट्स का ना इन्होंने अपनी इतनी मैनेजमेंट नहीं रखी हुई ये देखें ये मैंगो इसके इतने बड़े बड़े मैंगो ये काफी पुराने दरख्त हैं यहाँ पे तो जनाब
इतनी मैनेजमेंट नहीं है, ये अपने फ्रूट पे ध्यान नहीं देता, ये ज्यादातर बाई से खरीदते हैं। तो ये एवोकाडो का दरख्त है, इनको दिखाते हैं एवोकाडो। बोरा ही बहुत सा प्लांटस हैं ये एवोकाडो की। यहाँ पे एवोकाडो लगा भी होया अगर, लेकिन बहुत ऊपर है, आपको मुश्किल से नजर आएगा। तो असरोला का यहाँ पे दरख्त होता है, मैं असरोला दिखाता हूँ कैसा होता है यहाँ पे। ये ये देखें, ये फ्रूट है सरोला का। ये जब ग्रीन होता है ना, यहाँ पे एक कंपनी है न्यूट्रीलाइट, उसके साथ इन्होंने मतलब के कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसको सेल करते हैं। जब ये पक जाता है ना, लोग इनको सेल करते हैं, क्योंकि ये फ्रूट का पल्प बनाते हैं। इस वजह से ये असरोला यहाँ का बेहतरीन फ्रूट है। ये ड्राउट भी बर्दाश्त कर लेता है। उसके अलावा ये आपको सामने एवोकाडो का दरख्त दिखाता हूँ। ये आ जाए एवोकाडो, ये क्षमा इंग्लिश एवोकाडो ना, अबाकाड़, ये देखें जनाब, ये अबाकाची बोली जाती है इसको। मोस्ट तू दूपर एलिस ऐसा फ्रूट है, ये अबाकाची बोली जाती है इसको। अवाकाडो जो है ना, पाकिस्तान में ये फ्रूट बहुत महंगा है, यहाँ पे बहुत महंगा है, लेकिन तमाम फ्रूट्स की वैल्यू ना तकरीबन बराबर है यहाँ पे। तो मोस्ट की तू दू कम्प्लेस पर एलिस, ये देखें बहुत अच्छा, ये आम की तरह होता है बिल्कुल। अगर आप इसको कलम नहीं करते तो ये 10 साल के बाद फ्रूट उठाएगा, अगर आप इसको कलम कर देते हैं तो ये बहुत तकरीबन अच्छा फ्रूट ले लेता है। ये देखें छोटा सा दरख्त है, इस पे फ्रूट देखें कितने हैं, बोरा की पावल फ्रूट इस पे देखें, बहुत बहुत अच्छे फ्रूट लगे हैं, बहुत अच्छी फ्रूटिंग की हुआ है। यहाँ पे लोगों ने, ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में देता है, यहाँ पे हमने जमीन खरीदा वहां पे ये फ्रूट नहीं देगा, क्योंकि ये देखें ये सर्दी का फ्रूट है सर, इतनी भी सर्दी इसको नहीं चाहिए। ये मतलब के पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है। आम जो है वो गर्मी बर्दाश्त कर देता है, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है। वहां पे हमने ट्राई किया लेकिन वो सूख जाता है, होता नहीं है वहां पे। तो चलें चलते हैं, इनसे दुआ सलाम करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। सिर्फ उसे मैं उनको कह रहा हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई वाले हो। चाओ चाओ जी। तो जनाब कुछ ही टाइम हुआ है, मैं अभी घर पहुंचा हूं, क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे, बाद में उसने गपशप लगाई, इन्फॉर्मेशन ली कैसे आप आए, कैसे मतलब यहाँ पे पहुंचे, कहाँ पे रह रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन ली। क्योंकि वो मैं जो प्लांटेशन करने जा रहा हूं ना, हमें एक न्यू बंदा मिल गया जो हमारी फ्रूटेशन, जो हमारे फ्रूट होंगे वो बाई कर सके ना, तो उससे भी अच्छी दुआ सलाम हो गई। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको दिखाना है और अपने लिए भी मालूमात इकट्ठी करना है, अपने लिए भी लोगों से मेल जोल करना है कि ताकि कल को मुझे फायदा दे ना। क्योंकि इनके पास एक फैक्ट्री है अंदर, उन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, नहीं को मैं आपको दिखाता, क्योंकि अंदर उनकी कोई कहते हैं सिक्योरिटी होती है, उनकी प्राइवेसी होती है, जो पल बना रहे होते हैं ना, इतना भी गंदगी नहीं है अंदर, अच्छा बना रहे थे मैंने देखा था तो, लेकिन फिर अंदर वो वीडियो नहीं बनाने देते। अभी हम आ गए हैं उधर से, वीडियो बना गए, तो इंशाल्लाह ताला और भी इस बारे में आपको दिखाऊंगा। बंदा बहुत अच्छा था, हालांकि अमीर बंदा था, इंतहाई सब्र से उसने तहमुल से हमसे बात की। तो वीडियो में तो इतनी उसने बात नहीं की, बाद में उसने जो पल्प बना रहे थे ना, 5 फ्रूट्स का मुझे दिया पल्प उसने, एज ए मतलब टेस्ट करने के लिए। 2 फ्रूट्स का मैंने अपने दोस्त को दे दिया पावलू को, और 3 फ्रूट का मैं लेके आया हूँ। पहले भी उसी कंपनी का मैं मार्केट से खरीदता हूँ, बहुत अच्छा पल्प होता है। तो चलें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ, और जो भाई न्यू है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।